मानस का बार बार आप कह रहे हो कि रामचरित मानस का विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है, रामचरित मानस का नहीं, एक लाइन जो उसमें लिखी गई जिसका हम बात कर रहे हैं, सुंदरकांड में अगर आप वो लाइन किसमें लिखी गई, अरे रामचरितमानस में, रामचरितमानस में लिखी लाइन की बात कर रहे हैं हम सभी धर्म, तो रामचरितमानस का मैं विरोध नहीं कर रहा लेकिन लाइन का विरोध कर रहा हूँ वो रामचरितमानस में, ये कमाल का लॉजिक है आपका। एक लाइन जो बार बार हो रही है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, हम सबका सम्मान करते हैं, वही जहां पे अगर कोई चीज लग रहा है कि नारी के अपमान की बात हो रही है। 400 साल शिवम त्यागी, मैं आपका रुक करता हूं, फिर मैं विवेक जी आपके पास आऊंगा। शिवम, इन्होंने जो रामचरितमानस में आजकल आरएनडी करने का ठेका उठाया है, क्या इन रामचरितमानस का आरएनडी करने वालों की इतनी हैसियत या इतना आधार भी है कि उसको चैलेंज कर सके? मैं एक साइंटिफिक फैक्ट रखता हूं, रामचरितमानस इस दुनिया के 10 बड़े महाकाव्यों में से एक है, ये दुनिया ने माना है। अब अखिलेश यादव अगर इस बात को नहीं मानते तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो महाकाव्य के बारे में जानते ही नहीं है। अब एक और चीज पर मैं आता हूं, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से सबको ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं मैं सबको मानता हूं और अपने सबका सम्मान करता हूं और अपने को मानता हूं, और मैं मानता हूं वहां पर जो लिखा है उसको कोई चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चैलेंज कर सकते हैं और आप चैलेंज करना चाहते हैं और आप रामचरितमानस की चौपाइयों को बार बार अपमानित कर सकते हैं, और अगर आप 140 करोड़ लोगों के सम्मान और सेंटिमेंट को ऐसे ही ठेस पहुंचा सकते हैं, तो दूसरे धर्म की, यहां पर ये दूसरे धर्म का एक वो है आयत और सूरा, मेरा बड़ा ससम्मान आपसे निवेदन है, मेरे बाकी के 30 सेकंड आपके, आप इसको पढ़ के दिखा दीजिए, इनको दे दीजिए ना, बस हवा निकल गई। ये देखिए आप नहीं, आप कुरान में 4 लाइनें इनकी पढ़ने बस की नहीं है, पता गर्दन कट जाएगी, गजब बेइज्जती है। कमाल की देखिए, आपने जो पेपर पहुंचाया वो एक से दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया, जिधर आके आप कहोगे यहाँ पढ़िए, ये क्या बात है, ये राजनीति नहीं है तो क्या है, हम आपसे बात करेंगे। मैंने ऐसा क्या दे दिया जो इतना लग गया इनको? मेरा मेरा निवेदन है, जितना गुस्से में आप इस आयत को देख के आए हैं उतना गुस्से में आपको तब भी आना चाहिए जब स्वामी प्रसाद बोल रहे रामचरितमानस पे सवाल पूछते हैं, इतना गुस्सा आ गया आपको कि आप अपनी जगह से बाहर आ गए। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?